और ये बहुत घना जंगल है, आप देख सकते हो। मुझे और विपुल को अकेला छोड़ दिया गया क्या यार, उन्हीं तक कहना छड़ गए कल्ला। है और हम यहाँ पे -5 डिग्री टेम्परेचर में सड़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमारे जो क्रू मेंबर्स आएंगे और इनके पास है वॉकी टॉकी। सो गाइस, ट्रैकिंग पे गए थे हम, बट थोड़ी मेरी हालत ख़राब हो गई जिसकी वजह से विपुल को मेरे साथ रुकना पड़ा। बट अभी टेम्परेचर बहुत माइनस में चल रहा है और अभी हम अपने क्रू मेंबर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। विपुल ने अभी किया भी था ट्राई, बट देखो क्या क्या होता है। बट ट्रैकिंग करने में मज़ा है। एक बात है कि यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से ट्रैकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये वाला जो है आर्टिफिशियल नहीं है, ये मैन मेड मतलब कम है बट नेचर के अकॉर्डिंग ज़्यादा बना हुआ है। और अगर आपने आना है तो ज़रूर विजिट करिएगा। क्या नाम है उनका, नरेश? ट्रैक इज टोटली नेचुरल, कोई मैन मेड नहीं है, कोई इसकी कमर्शलाइजेशन नहीं हो रखी है। इट्स टोटली नेचुरल, आपको 100% नेचर दिखेगी, 100% चैलेंजेस दिखेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे, 100% डिफिकल्टीज आएंगी जिनको आप ओवरकम करेंगे, देन यू विल फील बेटर इन योर सेल्फ, यू विल फील कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। सो दिस इज़ अ प्लेस वे यू कैन टेस्ट योर लिमिट्स, यू कैन टेस्ट योर सेल्फ, एंड एजेंसी हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग ऑल दीज ट्रैक्स इज बैकपैक हाइकर्स विच इज़ इन नौरादर, विच इज सिचुएटेड इन हिमाचल सिटी। सो नौरादर सिटी इन हिमाचल स्टेट। तो निरादर इन्होंने जैसे बताया, इन्होंने इट्स नौराधर, इन्होंने जैसे बताया नौराधर, नौराधर। एंड कंपनी का नेम इज बैकपैक हाइकर्स, दे आर द बेस्ट, दे विल गिव यू 100% कैंपिंग एक्सपीरियंस, 100% ओरिजिनल कैंपिंग एनवायरनमेंट, नो आर्टिफिशियल, नो फेक, नथिंग एल्स, जस्ट 100% माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस, गुड फैसिलिटीज, गुड फूड, दे ऑल्सो प्रोवाइड यू डीजे फॉर योर फन, दे विल गिव यू बोन फायर एज वेल, एंड यू विल एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ माउंटेन्स, अ लॉट ऑफ वाटरफॉल्स, अ लॉट ऑफ समिट्स, अ लॉट ऑफ स्नो एंड मेमोरेबल मोमेंट्स। अभी तो सो रात को करेंगे, ये जो इन्होंने विपुल ने जो बताया ना सारी चीजें, वो सब रात को होगी। और कल हम कौन से ट्रैक पे जाएंगे, मतलब कल कहाँ जाना है? आज हमने करी है माउंटेन हाइकिंग, कल हम करेंगे नेचर हाइकिंग। सो कल विल गो फॉर चूरधर ट्रैक। व्यूवर्स को थोड़ा डिफरेंस बता दो क्या होता नेचर, है। नेचर हाइकिंग इज समथिंग लाइक नॉर्मल प्लेन्स में हाइकिंग करना, नॉर्मल प्लेन्स में ट्रैकिंग करना, जिनमें ज़्यादा क्लाइंब नहीं होता है, ज़्यादा एल्टीट्यूड पे अब हमको नहीं जाना होता है। सो दैट इज नेचर हाइकिंग, राइट? एंड देन कमिंग टू माउंटेन हाइकिंग, सेम, दिस हाइकिंग इज डन ऑन माउंटेन्स, वेयर हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स आर, यू नो माउंटेन्स का एल्टीट्यूड हाई ही होता है, तो हमें उन पे ट्रैकिंग करनी है, उनको एक्सप्लोर करना है। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेचर हाइकिंग एंड माउंटेन हाइकिंग। नेचर हाइकिंग इज समथिंग ईजी, माउंटेन हाइकिंग इज अ वे टू डिफिकल्ट, एंड यू शुड नो द टेक्निकलिटीज, बेसिक्स, दैट हाउ यू कैन सर्वाइव ऑन अ माउंटेन। लॉट ऑफ थिंग्स, लेट्स से यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, देन यू हैव टू कीप वाटर विद यू, यू हैव टू कीप सम फूड विद यू, नॉट एक्चुअली एनी अदर थिंग, ओनली न्यूट्रिशियस फूड, यू कैन से चॉकलेट्स और नट्स। You should keep a compass with you. You should keep a map, and in case you face any difficulty, you need a weapon. So keep a dagger with you or a machete with you. So you can say mountains में रहना is something like जैसे हमारे ancestors रहते थे, जंगली तरीका है, facilities नहीं होती हैं, nature के हिसाब से ढालना पड़ता है। So yeah, it's challenging, but once you will do it, you'll feel difference, your confidence will boost up, and you will motivate others as well to go for mountain hiking. That's what I have felt, because I was not a trekker. I didn't have any interest in trekking. I was just a cyclist and a runner. I used to do running and cycling and other things like dances. I just went to Trivandrum with my friends, and that trekking, you know,
That changed my whole thinking. So try it once. I hope you will like it. Rest, it depends on the taste of each and every individual. Yeah, that's what I have to say. So snowfall, अभी आज हुई नहीं snowfall, तो कल हो पाएगी snowfall ताकि viewers देख सके snowfall जो होती है हिमाचल प्रदेश में. हम जैसे हम clouds की layers देख रहे हैं तो आज का तो नहीं, I guess कल रात को snowfall हो सकती है. अभी थोड़ी सी snow ही हमें देखने को मिली है, जो कि वो स्नो बच जाती है जिन पे सनलाइट नहीं आती है. सो जो एरिया सनलाइट से बचे रहते हैं वहाँ पे स्नो बची हुई थी, सो हमने वो देखी है. एंड दो दिन बाद यहाँ पे स्नोफॉल के चांसेस हैं, बट हमने कल चले जाना है. सो विल मिस दैट पार्ट, बट यू शुड गिव इट अ ट्राई. यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फील बेटर, एंड यू विल थैंक्स मी लेटर आफ्टर दैट. सी यू. ओके, तो जरूर इनकी बातों पे ध्यान दीजिएगा और थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स हम बाद में बताएंगे. कल जब हम नेचर हाइकिंग या ट्रैकिंग करेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा सबके बारे में, क्योंकि हम पहले एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. आज का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया हमने कि ये होता है, ये वाली चीज़ें होती हैं. आई वांट टू गिव, ऑलवेज कीप अ हाइकिंग पोल विद यू, इट विल हेल्प यू टू क्लाइम एंड टू स्पीड अप योर यू नो डिसेंडिंग प्रोसेस. ऑलवेज कीप अ समथिंग, a weapon like this or a small weapon, you can use it to cut your fruits, to cut your vegetables, or to protect yourself. One walkie talkie, maybe to communicate with your other team members if you are in a group. And yeah, medicines and everything, water, food. So the main thing that you need is confidence, courage. That is the key and that is the main ingredient of trekking. सो इसका हम डीपली में कल बात करते हैं. अभी तो रात होने वाली है, अभी आए भी नहीं हैं लोग, मतलब हमारे क्रू मेंबर्स, हम उनका ही वेट कर रहे हैं. जब आ जाएंगे फिर हम आपको दिखा देंगे. आई कैन हियर द साउंड्स, आई थिंक दे आर कमिंग बैक. एनीवेज गाइस, सी यू लेटर, विल कम अप विद अ न्यू वीडियो रिलेटेड टू दिस हाइकिंग एंड विल शो यू व्हाट आवर ट्रैकिंग एक्सपीरियंस वाज लाइक. वी हैव लॉट ऑफ पिक्चर्स, लॉट ऑफ वीडियोस. We'll club them up and we'll give you a better response. So, he has a, like he is thinking about his creating a new YouTube channel, which like vlog? Yeah, I think I'll go for vlogging. Okay, so must follow him if he will open his YouTube channel. I will just collaborate with him and I will share you the link. Okay, thank you so much guys. Have a nice day. Thank you. Bye-bye. Guys. See ya. Take care. Good luck.